सुबह इधर बैठ के रेस्ट वगैरह मैंने हैवी वाला कर लिया यार, कसम से नज़ारा बहुत ही लेवल का लग रहा है मुझे तो। तो बस अब जल्दी से नीचे चलते हैं, और नीचे जाते हुए टाइम लैप्स बनते रहेंगे, व्यू देखते रहना, एंजॉय करना। आप चेक करो माशाल्लाह। तो बस नीचे चलते हैं जल्दी से। मेरे पास पानी की बोतल थी, वो अभी जब मैंने पकड़ी थी आपने पीछे देखी हो क्लिप में, तो ना मंकी ना 3-4 आए मेरे पास, तो भैया ना मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, मैंने जल्दी से फ़ोन पॉकेट में डाला। अब मैं गया इनसे जान छिड़वानी है, मैंने भाई बोतल में कैच कराई, कैच करके भाग गए ना, मेरी डर गया सी मैं। कसम से नीचे आ रहे जरा थकावट नहीं हो रही, लेकिन जब ऊपर जा रहा था बहुत बहुत शुक्र है कि मैं नहीं गया यार, मैं अपने आप को आज बहुत समझदार समझ रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऊपर चल जाता तो बस गया खत्म, तो फिलहाल नीचे जा रहा हूँ। भागे मंकी इसका खतरा नहीं है, तो इसलिए अब कोई यानी कि खतरा गया नहीं है, मंकी का ही था खतरा। तो वो बस शुक्र है बोतल उस वक्त थी हाथ में मेरे, तो बोतल मैंने पकड़ा दी, वरना उसने क्या नाम है अपना ये पॉकेट में से फ़ोन तो नहीं, खैर वो पावर केबल का लें। ये व्यू देखो यार, हर चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो मैं पहुंच गया नीचे, तो गाड़ी आई थी लोग होगी, तो बाहर बैठते हैं कहीं पर जाके जल्दी से। मेरी तो भाई बस हो गई है, हैवी वाली मत बच गई मेरी तो कसमें भी। आई थिंक मैं गलत आ गया हूँ, आगे पता नहीं, शायद नहीं मैं गलत आ गया हूँ, नहीं नहीं है आगे रास्ता है। गाइस पता नहीं मुझे मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, बस जा रहा हूँ नीचे को उतर ही, तो मैं बस सही जा रहा हूँ। वापिस जो आ रहे हैं अभी वो भी यहाँ से आ रहे हैं, तो आई थिंक सही जा रहा हूँगा मैं, तो बाकी देखते हैं क्या सीन है। सही आ रहा था मैं, वो पुल वो जहाँ पर आबशार जा रही थी, तो वो वाली साइड पे हमने कार पार्क की है, तो कार के पास छाँव में जाके बैठता हूँ मैं, तो भाई जान और सुकून करता हूँ। फ़ोन गाड़ी में अगर रखा जाता है तो गाड़ी में रख के मैं तो सो जाना, रात का नहीं सोया हुआ, अभी मुँह धोया तो थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, वरना तो मत बजी पड़ी सी। बाकी ये जो व्यू है ये तरोताज़ा कर देता है यार। मेनली कार के पास मैं आ चुका हूँ, तो बस अब इधर ही कहीं पर मैं तो कहना यही साफ करने हैं, इधर ही बैठ जाने हैं, लेकिन कि ये जी छाँव नहीं है इधर, मुझे गर्मी लगने लग जानी, चलो देखते हैं कि छाँव में जा के बैठते हैं। जब वो वहाँ से नीचे आएंगे ना, तो अब का उनका रिएक्शन देखने वाला होगा सारों का, क्या तबीयत है उनकी। पहले वहाँ से कोई खूब दुकान वगैरह से कुछ खाने के लिए लाएं, और यहाँ पर छाँव में आए, यहाँ पर बैठ के खाते हैं, तो बैठने का तो दिल ही नहीं कर रहा, और उधर धूप भी बहुत है, तो बस कहीं से कुछ पकड़ते हैं और खाते हैं। भाई से पूछा, कह रहा वो ऊपर दुकान है वो, तो कह रहे थे वहाँ से मिल जाएगा खाने पीने का कोई भी सामान मिल जाएगा, तो बस उधर जाते हैं कुछ सामान वगैरह पकड़ते हैं और खाते हैं और एनर्जी लाते हैं। हाँ भी मेमना फिर अच्छी बारह फेरी हो तो
कसम मूह धोया ना तो हूँ फ्रैश हो गया, हूँ मेरा उत्ते जाने का दिल कर रहा तो मैं चला भी जावगा, लेकिन नहीं हूँ जाना ही नहीं। ना पानी था, गला मेरा फुल खुश्क हो गया था और हल्के हल्के डुम डुम चक्कर आने लग गए। मैं कहा भाई तुम जाओ, मैं नहीं उस मुड़ना। तो ये चढ़ाई चढ़ के वो ऊपर दुकान है, तो वहाँ से कुछ पकड़ते हैं और खाते हैं। एक जूस दे ना अंकल जी, और एक केक वगैरह पड़ा हुआ, गला बिस्कुट दे ना एक। तो यहाँ से पकड़ते हैं, वो वहाँ से मैं आया हूँ, अभी सामान पकड़ के उधर ही लेके जाते हैं। अभी वो ना ना आ जाए फिर वो घबराएंगे कितने चला गया, उधर ही कहीं बैठ के खाते हैं। भैया इलाके का नाम क्या? मंडियाला। मंडियाला गांव नाम है जो है ना, ये मंडियाला गांव है। और ये इन्होंने छोटा सा प्यारा सा स्कूल बनाया हुआ है, तो अभी इधर से ना बच्चे बाहर निकल रहे थे, मैं जब वहाँ से जूस वगैरह ले रहा था ना वाब, तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा मैंने जो है कर लिया, ऊपर जाके थक गए होंगे। मैं दो मिनट बैठूँ फ्रेश हूँ, तो उसके बाद मैं नीचे आया हूँ। बाकी ये मैंने पूरा गांव ना घूम लिया है, मंडियाला जो गांव है ना, तो काफ़ी लोग भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, प्यार से सारों ने बात की है। तो ना बहुत होता है कि अच्छा दो नंबर लोग टकर जाते हैं, लेकिन नहीं, सारे बहुत अच्छे थे। तो गाड़ी पे बैठते हैं जाके। अरे गाइस, वो बच्चे आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उतनी देर में शायद वो भी आ जाएं तो हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। डर रहे हैं बच्चे आने से। आ जाओ, कैसे हो? अबे अपना काम कर। बात तो सुनो यार, कहाँ पढ़ते हो? जब बेइज्जती है। डबल टिक ऑनलाइन बट नॉट रिप्लाई। कहना दो मेरे, कहना तीन मेरे, तीन तेरे तीन मेरे। ओ बच्चों, बात तो सुनो यार, बात तो सुनो, कहाँ पढ़ते हो? वहां पे। शुक्र है कोई तो जवाब देता, वरना बिस्ती हो जानी साड़ी। तो वो मैंने आपको स्कूल दिखाया था पीछे, तो ये वहां से ये बच्चे यानी कि पता नहीं क्या इनकी टाइमिंग टूमिंग का तो नहीं मुझे पता, बस हाल वहाँ से कुछ बच्चे निकले थे, तो अब ये कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। पता नहीं सेकंड शिफ्ट ना शायद लग रही हो, तो खैर बोर नहीं हो रहा मैं पूरा। ये जो है मंडियाला, शायद मंडियाला ही नाम बताया था उन्होंने, तो ये सारा घूम लिया। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, ये नहीं पता, ये अब कोई बड़े अंकल या फिर कोई बड़े भाई आएंगे तो उनसे पूछूंगा यार ये क्या चीज़ है। बाकी तो यहाँ पर आबादी है, और ऊपर आर्मी वगैरह भी खड़ी है, और वो ऊपर दरबार है यहाँ पर, मामबरी सरकार ने चिल्ला काटा था। तो अफसोस भी है कि यार मेरे से नहीं जाया गया, लेकिन खुशी भी है कि समझदारी से मैंने काम लिया और मैं उधर बैठ के थोड़ा सांस लिया, पानी वगैरह पिया, मुँह हाथ धोया और मैं निकल आया। सर अभी मैं पानी की बोतल लेने जा रहा था, तो ना इधर से एक भाई गुजरे थे, तो मैंने उनसे पूछा यार ये क्या है, तो कह रहे थे आरामगाह बन रही थी कोई, यानी कि जो इधर आते हैं ना रहने के लिए उनके लिए, तो कह रहे थे मुकम्मल नहीं हो सकी तो वैसे छोड़ दी है उन्होंने। ये लोग आ चुके हैं, हो गया तो मैंने भी काफ़ी हैवी शुगर मेरा लगा लिया, तो अब जा रहे हैं जी नेक्स्ट प्लेस पे। तो यहाँ तक लोग हम करते हैं जी एंड ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग भी आने वाला है इस्लामाबाद में। तो बस निकलते हैं, जल्दी से आ जाओ। ओका, अल्लाह हाफिज़।